गुड मॉर्निंग। सो ये एक अपडेट है, जो GGS IPO रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कर पाए थे किसी भी वजह से, कि जो लास्ट डेट है जो कि आज ही 15 जुलाई थी, वो एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दी गई है। सो एनी स्टूडेंट जो कि GGS IPO के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो CET के थ्रू हो या नॉन CET के थ्रू हो, हम अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिन का समय और है, और मुझे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है कि वन ऑफ द मोस्ट गुड यूनिवर्सिटीज़, वैल्यूएबल यूनिवर्सिटीज़ एंड जो उनके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, बहुत रीजनेबल फीस है। तकरीबन सभी कोर्सेज़ की 80,000 से लेकर 1,00,000 रुपये साल की फ़ीस होती है, हम जानते हैं, जो एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं। और जो यूनिवर्सिटी कैंपस है द्वारका, उसमें तो शायद 25,000 रुपये साल की फ़ीस होती है। चूँकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस दिल्ली में है, तो बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ दिल्ली का एक्सपोजर, दिल्ली की लर्निंग, दिल्ली के बच्चों के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, बिकॉज 85% सीटें इस सभी एफिलेटेड कॉलेजेस में दिल्ली डोमिसाइल के लिए रिजर्व्ड हैं। सो वो बच्चे जो अभी तक नहीं कर पाए थे, एज ए सेड रश एंड टेक योर सीट्स, और फिल अप योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ताकि आप GGS IPO की सीट के लिए एलिजिबल रहे। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, और नेशनल एग्ज़ाम में तो खैर आप अलग से बैठ रहे हैं, और CET एग्ज़ाम जो BBA, BCom, e-commerce के लिए लिया जाता है, आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना ज़रूरी है। बिना इस रजिस्ट्रेशन और बिना एग्ज़ाम दिए, चाहे IP के किसी हल्के कॉलेज में छोड़े से जो रैंक में नीचे है उसमें कोई सीट खाली भी हो, तो भी आपको नहीं दी जाएगी अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो। सो कीजिए, 15 दिन का समय अब और आपके पास है। धन्यवाद।